तो देखिए मैं किस तरीके से अडेनियम के सीड्स को स्प्रेड कर रही हूँ। जब हमें लगे कि सीड्स बिछ गए हैं, वैसे तो 3 ईड में अगर आप 1-1 इंच का फासला रखें बहुत अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन मैंने इसी पॉट में मैक्सिमम डालने का प्रयास किया है। अब इसी लेयर पर एक मिट्टी की हल्की परत डालनी है। कोशिश करेंगे कि मिट्टी में कंकड़ वगैरह ना हो, क्योंकि नहीं तो वो कंकड़ उस सीड को दबा देगा। हल्की लेयर। एक खास चीज का ध्यान रखना है, इस गमले को आप शेड के नीचे रखेंगे। इसकी एक खासियत है, जब तक ये पनपता है तब तक इसे सहारा चाहिए, और जैसे ही ये पनप के पौधा बन जाता है तो इसे सहारा नहीं चाहिए, खुली धूप चाहिए। तो इसको जब तक ये पौधा 15 दिन से 2 महीने तक की ग्रोथ में पनप नहीं जाता, तब तक इसे शेड में ही रखना है, क्योंकि बारिश और धूप इसको नुकसान दे देंगी। अब जैसे मैंने सारी लेयर को मिट्टी से ढक दिया, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करूंगी, फिर धीरे धीरे 3 से लेके 15 दिन में एक छोटा सा ये प्लांट बन जाएगा। मैं चाहूंगी इस अडेनियम से मोहब्बत आप भी करें और इस जीवट पौधे को आप सब अपने घर की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि इसे देख रेख नहीं चाहिए, मात्र हल्के से छिड़काव रूपी पानी से ही ये जीवंत हो उठता है। तो चाहूंगी कि आप सब इसको जरूर अपनाएं अपने जीवन में।